गुजरात के सुरसागर लेक के बीचों बीच महाआरती सीएम भूपेंद्र पटेल हुए शामिल। गुजरात के वडोदरा में महाआरती की भव्य तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ सुरसागर लेक के बीचों बीच महाआरती का आयोजन किया गया था, इसमें सीएम भूपेंद्र पटेल भी शामिल हुए। सुरसागर लेक में बने सर्वेश्वर महादेव के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। उज्जैन में महाकाल की निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, बरसों से चली आ रही है ये अनूठी परंपरा। सिंधिया स्टेट के समय से उज्जैन के बाबा महाकाल की अंतिम सवारी को शाही सवारी के रूप में निकालने की परंपरा है। बाबा महाकाल की अंतिम सवारी को शाही सवारी के रूप में निकालने की परंपरा बरसों से चली आ रही है। इस अनूठी परंपरा का निर्वहन आज तक किया जा रहा है। इस बारे में जब उज्जैन के 86 वर्षीय प्रख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित श्री आनंद शंकर व्यास जी से चर्चा की गई, तो उन्होंने कहा कि पिछले 80 वर्षों से वह बाबा महाकाल को शाही अंदाज में शाही सवारी के रूप में निकालते हुए देख रहे हैं। लोक देवता बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन के लिए पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष। राजस्थान के जैसलमेर जिले के रामदेवरा में है बाबा की समाधि। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसलमेर के रामदेवरा में लोक देवता बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन किए। संत बाबा रामदेव ने करीब 637 वर्ष पूर्व राजस्थान के रामदेवरा स्थित पावन स्थान पर जीवित समाधि ली थी। इसके बाद से प्रतिवर्ष बाबा रामदेव की समाधि पर लोग पूजा अर्चना करने और अपनी आस्था और मन्नत लेकर आते हैं। टीम अयोध्या पहुंचा वैदिक विद्वानों का दल। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए हो रही है तैयारी। जनवरी 2024 में होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो गई है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की पूजन विधियां, सामग्री और पूजन स्थल तय करने के लिए वाराणसी से श्रेष्ठ वैदिक विद्वानों का एक दल अयोध्या पहुँच चुका है। राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ इस दल ने श्री राम जन्मभूमि परिसर में जाकर निर्माण कार्य हो रहे उसका जायजा भी किया। काशी कामकोटी के शंकराचार्य ने वाराणसी से वैदिक विद्वानों को अयोध्या भेजा है। प्राण प्रतिष्ठा पर क्या क्या विधि विधान होंगे, कौन कौन से धार्मिक पूजा पाठ होंगे, उसकी जितनी बारीक बातें देखी जा सकती है, बारीक बातों को देखकर निर्णय होगा। उन बारीक बातों को देखने के लिए कांची कामकोटी पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य जी ने बनारस से बहुत श्रेष्ठ विद्वानों को भेजा है। अब राम जन्मभूमि की सुरक्षा करेगी स्पेशल फोर्स SSF। प्राण प्रतिष्ठा से पहले लिया गया बड़ा फैसला, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि की सुरक्षा में बड़ा बदलाव होगा। अब राम लला और मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी SSF के हाथ में होगी। यूपी सरकार ने हाल में ही PSC और पुलिस के जवानों को मिलाकर इस नई फोर्स का गठन किया है। इन्हें महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए खासतौर पर तैयार किया गया है। मुंबई में गणेश चतुर्थी की तैयारियां जोरों पर, बढ़ी इको फ्रेंडली मूर्तियों की डिमांड। गणेश उत्सव की तैयारियों को लेकर मुंबई के बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है। बाजार एक दंत की छोटी बड़ी प्रतिमाओं से सजी हुई हैं। मुंबई में जिस तरह से उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है, शायद ही भारत के किसी राज्य में इतने धूमधाम से किया जाता हो। पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा और महाराष्ट्र की गणपति पूजा पूरे विश्व में खास पहचान बनाती है। आइए ज्योतिर्विद शैलेंद्र पांडे जी से जानते हैं 13 सितंबर 2023 का पंचांग क्या है। दिनांक 13 सितंबर 2023 दिन बुधवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, नक्षत्र है मघा नक्षत्र, चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक, उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। मॉरिशस के PM ने बाबा विश्वनाथ के किए दर्शन। वाराणसी के पंडितों ने विधि विधान से कराई पूजा। G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ वाराणसी पहुंचे। काशी विश्वनाथ धाम में सपरिवार बाबा का षोडशोपचार पूजन किया। 17 सितंबर को सूर्य करेंगे राशि परिवर्तन, सूर्य कन्या राशि में करेंगे प्रवेश। ग्रहों के राजा सूर्य 17 सितंबर को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। सूर्यदेव 17 सितंबर को दोपहर 1:42 पर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य एक राशि में करीब 30 दिनों तक रहते हैं। सूर्य 18 अक्टूबर को सुबह 1:42 तक कन्या राशि में रहेंगे और इसके बाद तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य के इस राशि परिवर्तन का कई राशियों पर व्यापक असर होगा। मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह ने महाकाल के दरबार में लगाई हाजिरी। परिवार के साथ महाकाल का लिया आशीर्वाद। मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से उज्जैन पहुंचे।
जहां उन्होंने महाकाल का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर शिवराज के साथ उनकी पत्नी और बेटा भी मौजूद रहे। सीएम बघेल ने रायपुर में रामायण महोत्सव कार्यक्रम का लोकार्पण किया। बघेल ने कहा, रामराज्य में सबको मिलता था सम्मान। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर जिले के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल चंपारण में राम वन गमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया और यहां आयोजित चंपारण रामायण महोत्सव में शामिल हुए। सीएम बघेल ने कहा, रामराज्य में सबको सम्मान और अवसर मिलता था। भगवान श्री राम की प्रेरणा से हम भी सबके सम्मान और सबको अवसर दिलाने के लिए कार्य कर रहे हैं।